बना लूंगा कुछ, ठीक है लाओ मैं बनाता हूँ, मैं बना मई में वो सारी सेरेमनी वगैरह होनी है तो यहाँ पे हर जगह ये छोटे छोटे ये इस तरह करके झंडे लगाए हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो उसके बाद आपका मुल्क इस तरह की तरक्कियाँ करता है। तुम्हारा क्या होगा कारिया? Hello guys, welcome back to the channel. Welcome to another vlog. It's a brand new day, brand new vlog. आज जो vlog है ना वो यहाँ से शुरू हो रहा है, नीचे बैठ के लिविंग रूम में, क्योंकि बिया ने ना यहाँ पे ये अपना घर बनाया हुआ है और कह रही है कि मेरे घर में कोई आ नहीं रहा, तो बस उसके घर में आ गए और जैसे अभीरा को उठाते हैं फिर इसको ना आज कास्ट रूम की जेलसी होती है और ये आके ना चढ़ जाता है गोद में। स्टाइल है बाबू भैया राजू का स्टाइल। कहती है कि सुबह से घर बनाया हुआ है, मेरे घर कोई मेहमान ही नहीं आया। तो आपने मुझे अपना मेहमान बनाया हुआ है? लो मैं अपना घर समझ के बैठा था, मैं तो मेहमान हूँ इधर। मेहमान को चाय शाय तो पिलाओ, कोई नाश्ता वाश्ता तो कराओ। मामा चाय दो। मामा चाय दे, आपके बालों को क्या हुआ है? वो मैंने पोनी बांधी हुई थी बहुत कस के, तो फिर वो कस के मैंने फिर वो उतारने की कोशिश की, जोर से उतार दी, फिर मेरे बाल फिर से कर लिए। कस के पोनी बांधी हुई थी, कहाँ से सीखती है वर्ड यार ऐसे? वह नहीं हुई यार अभी ना, आज का कार्टून। तुमने मारा है मुझे? नाश्ते में आज हमारे पास क्या है? ये पराठा, अचार। अचार आपके लिए नहीं है। पराठा तो नाश्ता, ये ब्रेड, साथ में क्या है? कुछ नहीं, खुद ही बना लेते हैं। बना लूंगा खुद, ठीक है लाओ मैं बनाता हूँ, मैं बना मैं हैरान हुई हूँ कि इसने मारा है तुम्हें। गजब बेइज्जती है। सास बहू और साजिश हो, इससे पहले ना आराम से नाश्ता कर लेते हैं। और यार तो नाश्ता वाश्ता करके हम लोग आ गए थे सेंसबरी कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। आरिश क्योंकि गाड़ी में सो रहा है तो बिया ने कहा आज मैं आरिश की जगह पे बैठूंगी, इतना बड़ा बच्चा बैठा हुआ इस ट्रॉली में, ये देखो जरा। यार वैसे ना मुझे पर्सनली सेंसबरी एजरा और टेस्को रालजी से ज्यादा पसंद है, क्योंकि वैरायटी काफी उधर काफी ह्यूज है यहाँ पे, और हलाल सेक्शन जो है ना पीछे वो भी काफी मजेदार किस्म का है। देखो ये सारी वैरायटी, वो इसकी तो बात करो, सॉसेजेस और वो सारी चीजें और ये सारे हलवे, बादाम का हलवा, अंगूरी रसमलाई, रसगुल्ला, गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, पिस्ता खीर और सारे डिजर्ट्स वगैरह, यार मतलब फुल वैरायटी है यहाँ पे, बाकी जगह पे नहीं होती इतनी ज़्यादा। ये वाले सॉसेज जो है ना बेसिकली ये लिंकनशायर स्टाइल की सॉसेज हैं और ये थोड़े से इस तरह के होते हैं, इसमें ना वो धनिया पुदीना भी डाला होता है। देखे यार ये अच्छी लग रही है, पिस्ता खीर, ये वाली ट्राई करते हैं जाके। जिम नहीं जाना था यार? जिम जाएंगे ना, जिम भी जाएंगे, खाना भी खाएंगे। पहले हफ्ते ना जिम जाएंगे, खाना वाना साथ खाएंगे, उसके बाद अगले हफ्ते सोचेंगे खाना कम कर देंगे, जिम करते रहेंगे, ऐसा प्लान है। इनली ना इस चीज के लिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे पूरी हलाल मीट की वो सारी सिस्टम है, तब यहाँ से काफ़ी सारी वैरायटी है जो हम ले सकते हैं। हलाल सेक्शन में क्या होता है, जो पाकिस्तानी इंडियन फूड होती है ना वही होती है यहाँ पे। मज़े की बात ये है कि एक तो ये देखो पाकिस्तानी इंडियन फूड तो है ही है, उसके साथ साथ ये देखो इंग्लिश स्टाइल की फूड जो है वो भी हलाल में पड़ी हुई है। बस जस्ट चेक करो, अब ये देखो, और थाई भी पड़ी हुई है, और मैक्सिकन इंग्लिश वाला सिस्टम। यार क्योंकि यूके का जो किंग है वो किंग बनने वाला है मई में, वो सारी सेरेमनी वगैरह होनी है तो यहाँ पे हर जगह ये छोटे छोटे ये इस तरह करके झंडे लगाए हुए हैं, मतलब किंग को किंग बनाने की सेरेमनी नेक्स्ट वीक, मतलब 8-9-10 days के बाद, तो वो उसके लिए यहाँ पे ना झंडे लगाए। यहाँ की 14 अगस्त मनाई जा रही है यार। यहाँ पे ना ऐसे लूज बनानास पड़े होते हैं, उनको उठा के इधर डालो खुद ही ये तराजू में और बताओ कि यार क्या है, और प्लेस आइटम ऑन स्केल, प्रिंट प्रेस एयर टू प्रिंट लेबर, आपका लेबल निकला, आपने बनाना पे चिपका दिया, और ये आप बनाना ले जा सकते हो काउंटर पे कैश करने के लिए, मतलब पे करने के लिए। यार ये मूली भी यहाँ पे किलो के लिहाज से बिक रही है, बिलीव इट और नॉट, ये जो येलो वाले ये भी टमाटोज हैं, और ऐसे लग रहा है कि फ्रूट है, चेरीज हैं, मतलब पकड़ के आराम से खा ले बंदा। तब ये सब दिखाने का ये है कि यार इतना ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अगर आपके मुल्क में स्टेबिलिटी हो ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो उसके बाद आपका मुल्क इस तरह की तरक्कियाँ करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना आपको मूड आपके प्रिवेंट करती हैं ख़राब होने से, और ये छोटी छोटी चीज़ें मिल के आगे बड़े बड़े चेंजेस लेके आती हैं। वो एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है ना, वैसा वाला सीन है, और वो फैक्ट है, होता है। यार ग्रेप्स देखो बुबू। One hour later. यार ये सारी ट्रैफिक का हाल है अभी सामने,
और मुझे लगता है तिक्को वाला जो प्लान है ना आज भी कैंसिल होने वाला है क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक है, डेढ़ घंटे हो गया ट्रैफिक में फंसे, पता नहीं क्या होता जा रहा है, इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे? क्या कहा तुमने? ढाई घंटे लगे ट्रैफिक में, अभी रात के 12:30 हो रहे हैं। मैंने कहा यार छोड़ना नहीं है क्योंकि उस दिन भी कैंसिल हो गया था, आज भी कैंसिल हो गया, तो अभी आते साथ ही मैंने ना क्या किया कि बीफ को मसाला सारा लगा के रख दिया और इसमें ना इसको गलाने के लिए मैंने कीवी डाल दी। कीवी से क्या होगा कि बोटी जो होगी ना वो नरम हो जाएगी और मुंह में पानी आ रहा है। सही वाला मुंह में पानी आ रहा है। वो जो था ना क्या टिक्का था यार, सिदीक, सदीक टिक्का, वो जो मॉडल टाउन में था, सदीक था या सादिक था, सदीक था। वो जो टिक्के खाए थे आखिरी आने दिन से पहले, तो वो आने से पहले वो तो उन लोगों के साथ गए थे दूर पे। रोश की बात नहीं कर रहा हूँ यार, रोश भी यार किसी दिन बनाए। वो जो सदीक था ना, जहाँ बिल्लियाँ थी ना, यस, वो वाले फील लाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे और यार वो किसी दिन वो भी बनाएंगे, वो जो काबुल रेस्टोरेंट वाले बीफ टिक्का। बट फिलहाल के लिए यार ये ना कीवी की वजह से हमारा एक आधे घंटे में ही रेडी हो जाएगा। नमक वगैरह सब आप पे है। ओ यार मास्टर शेफ यार, क्या जिसने बिरयानी बनाई थी, ऑफ कोर्स एक बार वो वाली रेड वाली ना, आरिश ने एक नया वर्ड सीखा है। आरिश ये क्या है, जी क्या है? The next day. यार मामा की अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, सीटी स्कैन था। अब जो लोग नए हैं उनको नहीं पता मामा का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके लिए ना सीटी स्कैन वगैरह होते रहते, तो उसके लिए स्कैन के लिए आए थे, तो स्कैन हो गया सही से। चले मामा के अपॉइंटमेंट से हम घर आ गए थे। अब जो है ना सबसे मुश्किल वाली अपॉइंटमेंट है अभी है ये वाली लड़की की डेंटल अपॉइंटमेंट। तो पिछली बार कैसे रो रही थी यार कि नहीं करवाना, तो वैसे वाला सीन है। और आज ये जो है ना ट्यूटी भाई, इसकी भी डेंटल अपॉइंटमेंट है, तो इसकी भी ये तो गुस्सा कर रहा है, तो इसकी भी डेंटल अपॉइंटमेंट है, इसका देखते क्या बनता है। मैं बहुत नर्वस हूं। नर्वस हो? कुछ नहीं होता यार, वेव गर्ल। तुम्हारा क्या होगा कालिया? है ओके। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं खोलो। क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक, चलो पहुंच गए। ये स्ट्रॉन्ग गाइस देख रहे हैं आपको भैया, इधर देखो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ओके तो हम भी जा रहे हैं। क्या सीन है भैया? उसने क्या शोर डाला वहाँ पे, अबीरा ने भी क्या शोर डाला, लेकिन एंड में ना अच्छे से करवा लिया। कोई खास होने वाला नहीं था, उसने बोला कि यार जो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो ना डेंटिस्ट की, जो अपने दांतों का ख्याल रख रही हो ऐसी रखते रहो, थोड़ी सी विलिंग थी वो कर दी। और अबीरा को मिला ये वाला स्टिकर और आरिश को मिला है ये वाला स्टिकर। हमारा सही से हो गया यार, बहुत अच्छे से हो गया। तो सारी रूटीन उल्टी फुल्टी हुई पड़ी है। अभी हम शाम को नाश्ता कर रहे हैं, तो अभी नाश्ते में हमारे पास है ब्रेड, अंडा, सॉसेज वाला है, साथ में मायोनीज है और चाय ट्रेडिशनल वाली। तो बस जल्दी से नाश्ता करते हैं और उसके बाद ना फिर अपने काम शाम खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े इंक्लूडिंग एडिटिंग। इसलिए अब आपको आज पता चल गया कि वो जो व्लॉग था ना जो एक दो दिन पहले आया था लेट आया था, वो क्यों आया था, वो इसलिए लेट आया था। ओके यार, तो फाइनली आज हम लोग अपने बीफ टिक्के बना रहे हैं। कुछ ऐसा सिस्टम लग रहा है, मसाला लगे हुए ज़्यादा टाइम हो गया था, तो ना कबाब कम बिहारी टिक्के कुछ इस तरह लग रहा है ज़्यादा, तो टिक्के मतलब बीफ टिक्का कम बिहारी कबाब ज़्यादा लग रहे हैं। तो अभी देखते हैं, इसके बाद ये इसमें जाएंगे और इसको यहाँ पे ना धुआं दिया जाएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है फाइनल प्रोडक्ट ना, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। बीच में ना ठुंगे मारी जा रही है, भाग रही है खा के उधर उधर। ओके यार, तो कुछ ऐसे लग रहे हैं हमारे बीफ कबाब बन के, वैसे तो टिक्के बनाने से, लेकिन बिहारी कबाब बन गए क्योंकि मैंने ना उसमें बिहारी मसाला डाल दिया था थोड़ा सा, लेकिन टेस्ट उसका बहुत अच्छा है। तो अभी इसको खाते हैं, 3-4 दिन से फंसे हुए थे, आज ना फाइनल वो सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। स्टार्ट करो, कहाँ गई? तो ऐसा प्लेटर बनाया, नान साथ में प्याज सिरके वाले, मूली जो उसने सेंसबरी से लाए थे, और अपने बीफ बिहारी कबाब। क्या बात है, छोड़ना कि ये जो हैरी पॉटर है ना सो रहा है। बहुत मजेदार। पाकिस्तान क्या बंदा, टिकट ले पाकिस्तान जाए आराम से, यहाँ पे बैठ के हमने पाकिस्तान बना लिया। सही वो वाली वाइब आ रही है, इसका टेस्ट
बिल्कुल वैसा है जैसा इमेजिन किया था, बिहारी बॉडी मूली और ये सारा जो लग रहा है मतलब वाइब आ रही है, रियल वाली पाकिस्तानी टेस्ट। ओए होए तू आ रही है पाकिस्तान, गई हो कभी? गई हूं। कब गई हो? गाइस आप व्लॉग देखे, गाइस आप इधर से व्लॉग देखे। किधर से? किधर से? इधर से। और हम पाकिस्तान गए थे, ये यहाँ पे अभी आके व्लॉग डाल देंगे, पाकिस्तान के सारे व्लॉग डाल देंगे, देखना वहाँ पे। कमाल का सीन हुआ यार। उए! यार ये हीटर कौन ऑन करता है यार? उए, 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 उए। व्लॉग कपड़े वॉश किए थे, उनको सुखाना नहीं होता यहाँ, बट व्लॉग एंड करते करते ये क्या हो गया यार? पकड़ो जरा। यार वी आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश फॉर अबीरा बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्कूल वेरी सून। अबीरा का स्कूल ना स्टार्ट होने वाले बहुत जल्दी, तो एक दो हफ्ते में, तो ट्रांजिशन थोड़ी सी टफ हो सकती है कुछ दिनों में, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि इंग्लिश ज़्यादा बोले ताकि ना एक दो दिन इसको शुरू के, तुमने भी जला लिया, ताकि एक दो दिन ना इसको शुरू के ना मुश्किल ना हो। तो यस थोड़ा सा ये वाला सीन है, तो फ्रॉम नाउ ऑन यू माइट सी अबीरा टॉकिंग इंग्लिश। फिलहाल यार इस ब्लॉग को एंड करते हैं, टिक्के का क्या मजा है, पाकिस्तान वाली वाइब्स आ गई, और ना आपसे मिलते हैं नेक्स्ट डे कल सुबह, तो नहीं कल सुबह आपसे मिलते हैं नए दिन नेक्स्ट ब्लॉग से। यू वांट टू से समथिंग? तो फिर एज ऑलवेज तब तक के लिए, जब तक के लिए, अगले ब्लॉग तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।